सो गाइस ये वाला व्लॉग चॉइस फिलिंग वाले डे से स्टार्ट है, तो इस दिन हमें चॉइस फिलिंग करनी थी, अपने बेस्ट टॉप कॉलेजेस डालने थे लिस्ट के अंदर। दवा डालना है तो नहीं, वो 10 ही काफी है और क्या। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपने 10 कॉलेजेस डाल दिए हैं जो मुझे लग रहा था, मैं ज्यादा नहीं डाले, जो मुझे लग रहा है कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल सकता है, मैंने वो 10 बेस्ट कॉलेज डाल दिए। मेरे पास मैसेज भी आ गया कि भाई 10 कॉलेज वो लॉक हो चुके हैं एंड अब लॉक हो गया, तो अब आज है 28, अभी 11:33 हो रहा है, सो अभी 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी कौन सा कॉलेज अलॉट है। तो मिलते हैं आपसे सीधा हम 1 तारीख को। बाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, कैसे हो आप सब। आज है 1st of February एंड आज एंड कल का टाइम है जहाँ पे हमारी कॉलेज अलॉटमेंट का जो आ जाएगा, आज मे भी क्या पता शाम तक आ जाए या फिर कल आए, ये वजह से मैं चेक कर रहा हूँ वेबसाइट पे कि कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं, तो मतलब आज जैसे ही आएगा तो आपको पता लग ही जाएगा वीडियो में। तो शुरू करते हैं इसी बात पर इस वीडियो को। बाय। सो गाइस यहाँ देख सकते हो वेबसाइट पर अगर मैं काउंसलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है काउंसलिंग रिजल्ट MBBS BDS, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख क्या रहा है कि ऑल आर एडमिशन लेटर ऑफ UP नीट 2021 विल बी अवेलेबल वेरी सून। देखते हैं भाई कितना वेरी सून है, कब तक आएगा, तो आपको पता लग ही जाएगा। सो गाइस फाइनली यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया है मेरा एंड इट्स मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। सो ये हमारा मुजफ्फरनगर के अंदर है, तो अब यहाँ पे क्या होता है नोडल सेंटर पे आपको फीस जमा करनी पड़ती है जाके, वहाँ पे हम जाएंगे कल या हम परसों जाएंगे, नोडल सेंटर सहारनपुर पड़ा है तो वहाँ जाएंगे हम एंड वहाँ पे जाके फीस जमा करनी है, बाकी जितने भी आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस है वो हम कर रहे होंगे। अभी हम जा रहे हैं, कल तो मेरा कॉलेज अलॉट हो गया था मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, तो अभी क्या है हमें कल जाना है उसके नोडल सेंटर सहारनपुर, सारी चीज़ें प्रिंट करानी है। ये पूरी लिस्ट दी है वहाँ पे यूपी काउंसलिंग ने, जो यूपी ने पूरी एक लिस्ट दी है DGMU साइट पे आया है, तो वो सारी चीज़ें हमें फोटोकॉपी करानी कम से कम 8 से 10, तो सारी चीज़ें फोटोकॉपी हम कराने जा रहे हैं। सो गाइस अभी बहुत सारी चीज़ प्रिंट हो रही है, दिक्कत क्या है मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं है, मैं भूल गया कि स्कूल ने मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है, तो मैं स्कूल जाऊँगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें फाइल लेके आ रहा हूँ जिसमें सब चीज़ लग सके, फाइल ली है मैंने जिससे हम पार्टीशन कर सकेंगे यार, एंड ये आप प्लीज़ ले लेना एंड मेरी जैसी गलती मत करना। इस अभी थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा है, अभी ऑलरेडी सब फोटो प्रिंट हो रही हैं, अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट उठा लेते हैं जल्दी से फटाफट। खोलो मैम ने दिया होगा ना, तो गाइस यहाँ पे नीट 2022 एक्सपीरियंस के लिए दो बैचेस लेके आए हैं अनअकैडमी, तो आप उसको जाके एनरोल कर सकते हो। पहला बैच उसका नाम है उड़ान बैच, जो कि 16th of February से स्टार्ट हो रहा है, तो बिना किसी तरीके इस बैच को जाके एनरोल कर लें, उसके लिए आपको प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए आप मेरा कोड 1621 यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% ऑफ तक देखने को मिल सकता है। रैंकर्स बैच जो कि दोबारा 16th February से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही दिन में आपको दो बैचेस देखने को मिले 16th February से, तो इन दोनों बैचेस को आप जाके एनरोल कर सकते हो। एंड गाइस अनअकैडमी प्रोडिजी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए आज 2 बजे ये टेस्ट है, तो प्लीज आप जाके उसको मिस आउट ना करें, उसको प्लीज एक बार देने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे आपको काफी सारी स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है, बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जो टेस्ट होने वाला है वो लाइव टेस्ट है, तो साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट देखने को मिलता है, एप्पल मैकबुक आईपैड आईफोन जैसे आपको काफी सारे अमेजिंग प्राइजेस देखने को, जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको ग्रैब करना ना भूलें। आज 2 बजे अनअकैडमी प्रोडिजी को जाके आप एनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो उसके एक आपको अलग बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, आपको पर्सनल मेंटरशिप देखने को मिलती है, आप अपने डाउट्स लाइव 1-to-1 मेंटर के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, अपने आपको पहले स्लॉट्स बुक करने पड़ेंगे और आप लाइव बिल्कुल 1-to-1 आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्स की स्ट्रेटेजीज को आप वहां डिस्कस कर सकते हो एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक से रिलेटेड आप चीजें डिस्कशन कर सकते हो अपने मेंटर के साथ बिल्कुल लाइव 1-to-1 है। तो सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखे, बिना किसी देरी के जाकर आप एनरोल कर सकते हो। तो गाइस अभी 12:30 बज रहे हैं रात के एंड कल हमें निकलना है सहारनपुर के लिए, जो कि नोडल सेंटर है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के लिए, तो कल हम जल्दी सुबह निकलेंगे, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है एंड वहाँ से देखते हैं हम कैसे स्टे करते हैं, जो भी होने वाला है वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं अब सीधा सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के 8:20 हो रहे हैं, मैं जस्ट उठा हूँ अभी, निकलते हैं बिना किसी तरीके जल्दी से, बाय तैयार होकर मिलता हूँ आपसे। बाय गाइस फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो चुका हूँ, जब हम जा रहे हैं सहारनपुर, आज हम लेट हो गए सच बता रहा हूँ, भी लगभग अराउंड टाइम अगर मैं बताऊँ इस टाइम हो गया 10:15, में 8 बजे निकलना था बट अब यहाँ लेट हो गए, तो अभी जल्दी से निकलते हैं, देखते हैं कब पहुँचते हैं, बाकी हम शायद स्टे करेंगे मे बी हरिद्वार में, वो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बाहर ठंडक है वहाँ पे और थोड़ी ठंडक होगी। चलो गाइस मिलते हैं, ट्रिप को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Believe in real love and now my heart beats it.
यहाँ पे पहला ब्रेक लिया है, कहाँ लिया हमने पहला ब्रेक? मुजफ्फरनगर के अंदर यहाँ पे पूरे कैफे है जहाँ पे भाई साहब हवा चल रही बहुत लग रही गाइस। तो हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है पहला, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे एफिडेविट वगैरह के थोड़ी दो काम है जो कि इन्होंने बनाने को बोला कि चार एफिडेविट बनवाने, तो उसका थोड़ा काम यहाँ पे चल रहा है, तो अभी टाइम लग जाएगा उसको, मेडिकल यहीं करवाएंगे ये लोग, तो मेडिकल में भी टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी चेक वगैरह डिपॉजिट होगा उसके बाद मतलब टाइम लगने वाला 2-3 घंटा, तो भाई मान के चलो देखते हैं भाई क्या होने वाला आगे आपसे, मतलब कंटिन्यू रहो। मैं यहाँ पे मैंने फाइल भर दी, सबसे पहले फाइल देते हैं उसको पहले भरना पड़ता है, उस फाइल को भरो, उसके बाद एफिडेविट यहाँ पे चार बनवाने पड़ेंगे या फिर आप बाहर से बनवा के लो जो भी है, फिर यहाँ पे एफिडेविट के बाद आपको जाना है मेडिकल की लाइन में, मेडिकल कराने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है फीस, ये सब चीज़ है सीन है, यहाँ पे टाइम लग सकता है, देखते हैं क्या क्या होने वाला। बाय। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना रूम ले लिया है होटल में, एंड काफ़ी अच्छे रूम में, गंगा जैसे सामने बह रही है, तो गाइस रात हो रही है इस समय, सामने गंगा बह रही है, बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत है ना, और ये बहुत ही अच्छा व्यू इस होटल का है ना, बहुत मज़ा आ रहा है इस होटल में, और अभी बाहर अभी देखो अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको, बट सुबह तो भाई बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ओपी लेवल होगा। गाइस देख सकते हो ये है गंगा, या तो यहाँ से नीचे भी सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, वही तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं गाइस, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, एंड बहुत ही ओपी लेवल का व्यू है यार, है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे देखो, है ना। गाइस चलो अच्छा, तो के कारण हमें वापस आना पड़ा, बट ठीक है, कल आपको और हम अच्छे से दिखाएंगे कि वही क्या था। आई होप कि गाइस आपको अभी तक ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, ठीक है, अभी सोने का क्या लेंगे हमको देखते हैं, सोते हैं भाई। तो हमें आपको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है आपको किस होटल में, नए होटल में? अभी जैसे हम गंगा के सामने खड़े हैं गाइस, ये वाला एरिया जो है ब्रेकफास्ट वाला एरिया है, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं हम सुबह, गंगा के सामने व्यू ले सकते हैं। बताओ मैं आपको क्या, आपको क्या लगता है कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है व्यू एक्चुअली, वहाँ जो गंगा रिवर बह रहा है ना थोड़ा तेज, देख सकते हो सारे यहाँ पे लोग इस समय, वैसे कोई है नहीं यहाँ पे क्योंकि सीजन नहीं है, बट अभी हमें काउंसलिंग के चक्कर में आना पड़ा, बट देख सकते हो पूरा सीधा स्ट्रेट है, इसके ऊपर भी फ्लोर्स हैं काफ़ी सारे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, एंड आज सुबह अब यहाँ हमें अच्छा व्यू दिख रहा है, एंड अभी 9 बज रहे हैं फिलहाल, एंड अभी हम शायद निकलने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर मुजफ्फरनगर के लिए, एंड अब दिख रही गंगा इतनी अच्छी, वाओ कितनी तेज बह रही है यार, आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस जस्ट हमारे ये होटल है, ये वाला जो ब्रेकफास्ट करने का एरिया है इसके सामने ही है, देख सकते हो आप कितना अच्छे से बह रही है, काफ़ी अच्छा व्यू है आपने देखा होगा, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें वैसे भी फिलहाल। सो गाइस गाड़ी खड़ी कर दी है फिलहाल गंगा वहाँ पे उधर उधर की साइड, तो मैं फोटो वीडियो बना लूँगा अभी वहाँ जाके। हो जो ना वैसे फिर से स्टार्ट हो गई है, बट ठीक है चलेगा, तो हम चला लेंगे हम, एंड अभी हम जाएंगे शायद कुछ, हम देखते हैं यहाँ पे हरिद्वार में और क्या चीज़ें हैं जो कि हम विजिट कर सकते हैं, और जल्दी से हमें मेन काम है कि मैं अपने कॉलेज जाऊँ, वहाँ पर ज़रा थोड़ी चीज़ें पूछूँ, एक और बार फिर आना पड़ेगा कॉलेज, थोड़ा हॉस्टल फीस का हम वो सब बनवा के नहीं लाए अभी फ़िलहाल। हो गाइस देख सकते हो, तो गाइस देख सकते हो ये गंगा रिवर आ रखी है, एंड यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा रहे, एंड गाइस वो देखो वहाँ पे ये तैर रही है यहाँ पे शिव जी की मूर्ति, एंड अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम हर की पौड़ी पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे यहाँ से लोग लेते हैं भाई गंगा जल, वैसे मुझे पानी थोड़ा गंदा लग रहा है, पर बीच में साफ लग रहा है बहुत, तो आप मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हैं बीच में जाके लेके आऊँगा? नहीं मैं यहीं से ले लूँगा। गाइस ये बत्तख अंदर जाने वाली है, ये बहुत बढ़िया देख रहे हो। देख रहे हो, मैं सोच रहा था कि फोन को डुबकी मार दो, फोन को भी ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, बाय। Sometimes someone goes and takes your heart so suddenly. Sometimes someone just becomes a part.
part of you so easily, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe, believe in real love. ये है गंगा जल, मुझे दे ना थोड़े मुझे दे। ये है गाइस गंगा जल, ये हमने भरा, हम जा रहे हैं ऊपर वापस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, वेटिंग रूम के अंदर। तो गाइस हमें दोबारा आना पड़ेगा अभी, पर अभी हम हॉस्टल देखने जा रहे हैं बॉयज का। अब 7 तारीख को आएंगे शायद, मंडे को। अच्छा ये हॉस्टल है, अच्छा यही बना है, इसी में ये यहाँ से वो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3। अच्छा ऊपर वाले जो हैं 7, 8। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत न्यू बैच। अच्छा हम गए उसमें जाएंगे। अच्छा दिस इज मेस, यहाँ पे बैठने के बच्चे का मन नहीं कर रहा वहाँ बैठने के लिए। यहाँ बैठ के चार बच्चे अपना डिस्कस कर लें, कुछ भी करें, यहाँ बैठे सारे रूम एक सी हैं। अच्छा तो वो नहीं है, बाहर नहीं, वो कोई तो अलग है, कुछ है नहीं है। आर ओ का पानी है ये सभी बच्चे एक फ्लोर पर एक ही लगा हुआ है। अच्छा ये हमने देखा आर ओ का पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, और इसकी भी हम जो इसके ऊपर टैंक है हर 15 दिन सफाई करवाते रहते हैं। रूम हमने देख लिया, बहुत ही बेस्ट रूम था। I will never leave in you, leave in your side, 'cause you're mine.